मणिपुर। दोस्तों, आपने बचपन में कभी ना कभी ये जरूर पढ़ा होगा किताबों में कि हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और वहाँ पर एक ऐसी लेक भी है जहाँ पर आइलैंड्स जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। ये चीज़ें, ये बातें सुनने में बहुत अजीब सी लगती हैं और हम लोग इसको इमेजिन भी नहीं कर पाते थे बचपन में, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को आज आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार बॉर्डर पर बसा हुआ एक ऐसा छोटा सा राज्य है जो कि तीन तरफ से तो भारत के तीन राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन चौथी तरफ ये म्यांमार से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये नॉर्थ में नागालैंड से, पश्चिम में असम से और दक्षिण में मिजोरम से घिरा हुआ है, और पूर्व में इसको म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर कवर करती है। दोस्तों, इस राज्य की राजधानी इम्फाल है। इस राज्य का एरिया 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है और इस राज्य की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 30 लाख के आसपास है। तो दोस्तों, इस राज्य का कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम बहुत कुछ अलग है और यहाँ की लैंडस्केप भी बहुत अलग है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक लेक है लोकटक लेक जो कि बहुत फेमस है, और यहाँ पर आइलैंड्स पानी पर तैरते रहते हैं और रात में एक तरह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस राज्य को मिनट के अंदर आपको घुमाता हूँ और कुछ चल के दिखाता हूँ। दसने का चांस नहीं है क्योंकि एक जो शंघाई हिरन है ना, उसका वेट हम लोगों के वेट से भी ज्यादा है। एक फुल मैच्योर वाला शंघाई इसी बायोमास के ऊपर चल पाने के लिए एक मीटर होना जरूरी है, और वही शंघाई उसका वेट 80 kg से 125 kg है। टेस्टी है। मणिपुर 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 मणिपुर